हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की कोरोना जांच की गई। ये विधायक जयपुर से आज ही भोपाल लौटे हैं। भोपाल के मैरियट होटल में विधायकों की जांच की गई। कांग्रेस विधायक महेश वर्मा का दो विधायकों में कोरोना के लक्षण पाए जाने का दावा। कहा, मैं विधायक हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को राज्यपाल ने दिया 16 मार्च को बहुमत परीक्षण का आदेश। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणनीति बनाने में जुटे। बेंगलुरु में रुके सिंधिया समर्थक। मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने वीडियो संदेश जारी कर मांगी सुरक्षा। कहा, सुरक्षा का पक्का भरोसा मिले तभी लौटेंगे। बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया समर्थक विधायकों का होटल बदला गया। गोल्फशायर रिसोर्ट से रमाडा होटल में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। बहुमत परीक्षण के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की है। कहा है, अल्पमत में है सरकार, स्पीकर वही करेंगे जो राज्यपाल कहेंगे। जयपुर से भोपाल आए कांग्रेसी विधायकों से मिलने पहुंचे मंत्री प्रदीप जायसवाल। मुलाकात के बाद कहा, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार, 5 साल चलेगी कमलनाथ सरकार। एमपी की सियासी उठापटक में विधानसभा स्पीकर का रोल बेहद अहम। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए थे। 16 पर फैसला आने बाकी। मध्य प्रदेश के बागी 16 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा कबूल करने की अपील की। कानून व्यवस्था का हवाला देकर भोपाल आने में असमर्थता जताई। मध्य प्रदेश के स्पीकर एनपी प्रजापति ने विधायकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं कल पता चलेगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मध्य प्रदेश में बहुमत साबित कर देने का भरोसा जताया। कहा, सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, हम फ्लोर टेस्ट नहीं टालना चाहते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा, मैं उन्हें धैर्यवान नेता समझता था, नहीं पता था कि इतनी जल्दी बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगेंगे। गुजरात में कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम होगा आजाद समाज पार्टी। नीले रंग का होगा पार्टी का झंडा। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में शामिल हुए पूर्व बीएसपी नेता। नोएडा में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के कार्यक्रम पर रोक के बाद मिली मंजूरी। कोरोना वायरस की वजह से पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ने के बाद सभा को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश वापस लिया। कल राष्ट्रीय आपदा घोषित हो चुका है कोरोना संकट। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कोरोना वायरस की तैयारियों और सावधानियों को लेकर फोन पर बात की। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक बंद है स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे, इस पर उन्होंने हामी भरी थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में बनी है नई पार्टी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।